Isabel. Makan dah tu belagi. मैंने के पन लगा था क्या ये करा के रहा है कि बिल में जो होती पल लेती हूं ठीक मम्मी को बोलो बहुत बहुत शुक्रिया बोलो बाते दिन ठहरे ठीक अब उनके पास ही देखो मदद मांगी देखो आप लोग आते नहीं करते अनाज की उनकी मदद मांगी ये बोलो चलो अस्सलाम वालेकुम अमजदुल्ला खान साहब खाने में गई थी आज हमारी परेशानी सुनाई दो महीने का रेंट देना था घर में अनाज नहीं है कुछ भी नहीं है मैं बेवा हूँ मेरी बच्ची की भी शोहर नहीं है बहुत परेशान थी तो उन्होंने आज मेरे को दो महीने का किराया और पूरा अनाज और बर्तन नहीं थे घर में वो भी हेल्प करे समझे जितों को मैं है रिकॉर्डिंग करके मेरी हेल्प करते बोले मगर कोई नहीं करे इन्हों बगैर उसके मेरी हेल्प करे मैं रहती हूँ आजमपुरे में उन्होंने रहते चंचलपुरे में फिर भी मेरी हर चीज़ की हेल्प करके अपने कार में बिठा के ला के अनाज दो महीने का किराया दिए समझे उनके बेटे हैं मेरे साथ अब उन्होंने भी मेरी इतनी मदद करे और उनको भी बोली मैं ऐसा घर बताई अलमारी नहीं है सब कुछ भी नहीं है ये देखो हमारी ज़िंदगी ऐसी है वो तो इंशाल्लाह इतना तो करे ना लोग अनाज भी दिए बर्तन भी दिए दो महीने का किराया भी दिए हमारे के बेटे फरजान उन्होंने आगे दो महीने का रेंट दिए मेरे अपने हाथ से मकानदार के हाथ को दिए उनका बच्चा आगे लेके गया समझे अब हमारी इतनी मदद करे अनाज की उसकी और उन घर पे भी मौजूद है इस वक्त पूरा घर बता रही मैं उनको तो उन्होंने देख रहे हैं घर को पूरा मेरे पूरा नक्शा घर का देख रहे हैं देखो कार्टूनों में कपड़े बैठा पुराने खाने नहीं है दो लोग डब्बे में खाना दिए बोल के वो तक बताई इंशाल्लाह इतना तो करे दो महीने का रेंट दिए अनाज डाले बर्तन दिए इतनी तो हेल्प करके कार में ला के छोड़े मेरे को घर में डैडी को दिया और मेरे को नहीं दुआ दे मुश्किल नहीं हाँ दुआ तो मैं डैडी को भी दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ रियल में आप जो आपके सामने जरा भी घमंड नहीं दिखा मेरे को मेरे को अच्छा दिखा और जो आप आके वालदा के साथ बैठ गए ना वो सादगी पाना मेरे को बहुत प्यारा दिखा आपका इसीलिए मैं अपना भाई बेटा जो भी समझे मैं दिल से दुआ ही नहीं कर रही आपका इंशाल्लाह आप जो भी करेंगे आगे बढ़ेंगे जरूर आज तक मैं सुनी और देखी थी मगर आज आप लोग जैसे कि आपने समय देखी मेरी यकीन द्वारा आप लोगों ने इतनी अच्छाई और नॉर्मल एकदम सादे है बल्कि बस यही लोग कपड़े देते हैं चला के रख लेती बटे पहनने को कपड़े नहीं रहते सिला नहीं सकती चलो अब बुढ़ी होगी भी शर्ट चलाना पड़ता है तो आम तो ढक जाता मेरा मैं बोली उनको जाके मदद मांगी बोलो फिर भी इतनी मदद करे मेरी बहुत मदद करे बोले ना मेरा सर का बहुत छोटा है आज तहज्जुब की नमाज में अल्लाह चाहे तो बड़ी बराबर मैं नमाज पढ़ के इतनी दुआ देंगे मैं पांच टाइम नमाज पढ़ती हूँ यहाँ तक तहज्जुब की पढ़ती हूँ अगर नींद लग गई तो हज्जत की भी नमाज दो रखा पढ़ती हूँ क्यों मेरी परेशानी जाने और इनके वास्ते तो हाथ उठा के हर जगह इतनी दुआ दूंगी कुफार अगर दुआ नहीं दूंगी वो खा के कुफार के औला समझे क्यों मेरे को बहुत बड़ा सर्दी है मेरा बहुत सर्दी है बेटा मेरा जी बहुत दुआ देंगी बराबर दुआ देंगी इनको मेरे बहुत सर्दी है मेरा इतनी बड़ी परेशानी मेरी हल करे कोई नहीं कर रहे थे
नहीं मिले कोई लीडर लेकर अभावा के लिए और उनके वोट नहीं तो भी मेरे को पूरा दिए मेरे उनको एक वोट नहीं डाली भगवान मेरे को पूरा हेल्प करे जिसको वोटा तीन तीन चार चार डाली कोई नहीं पूछे मेरे को मैं ऐलान से बोलती मैं समझे आज मैं सबको मालूम पड़ गया मैं भी इंशाल्लाह ग्रुप बनाऊंगी उनके साथ ही जाऊंगी मैं अब के उनको छोड़ा दिलाऊंगी जितना का ग्रुप पकड़ के जाऊंगी मैं ये जो कुछ हमारे समझे अल्लाह के बाद मदद करने वाला वो तो हाँ सबके बेटे वाकई में मैं यकीन नहीं करी आज मेरे को इतनी इज्जत से बिठा के गोशे में बिठा के कार में कौन एमएलए लाए एक बुढ़ी को कार में एमएलए लाए कोई फख्र नहीं को दो पट्टियों की चप्पल पे आज उनकी कार में बैठ गई मैं तो मैं कितना फख्र महसूस कर रही उनके वास्ते दुनिया में ठहर के भी स्टेट पे बोलूंगी तो बराबर बोलूंगी मैं हाँ हर एमएलए को थूक लेना उन्हें अपने आप जो हमारे साथ नहीं करे ना हर एमएलए को जूते मारने के काबिल है क्यों इन्हू ना हक के हमारे साथ दिए इतना कर नहीं करे तो भी लोग आठ दस दस उड़ना लेके हमारे को क्या दिए छिड़कियां दे रहे कुत्ते के साथ अपॉइंटमेंट लेके आओ अपॉइंटमेंट ले आओ उनके अपॉइंटमेंट ले आओ देखो कितनी इज्जत दिया जिम्मा बच्चा मेरे को एक माँ का दर्जा दिया उनको दुआ नहीं दो ये जितने भी लोग हैं ना बोरे ना चपला मार लेना उनका अगर सही ईमान है तो इनको उठ देना हर कोई अब इंशाल्लाह अब मैं कराऊंगी भी गुरु मां बनाऊंगी भी अगर मेरे को अल्लाह जिंदा रखा मैं बराबर गुरु बना के इनकी जिताऊंगी बराबर जिताऊंगी देख लो जो होता होगा मैं मरे तक फुर्सत मगर जिताऊंगी मैं मेरे को इतनी दुआ निकली आज हाथ देखे ऐसा दिख रहा मेरे को दो महीने का रेल अनाज बर्तन आ बता कोई भी ऐसा दिख रहा मेरे को एक खाब देख रही क्या इतना देते जी लगा माँ बोली मैं पांच पैसे नहीं दिए बेटे मेरे को पांच किलो चावल और मिर्ची की पैकेट वो रख के लाइनों में वीडियो ली अजी इतना दिए ना जी ने तो 15,000 के ऊपर दिए फिर अभी मेरे महीने को कराते भी बोल रहे गल्ला का जी अमजद अली खान बोल रहे महीने को गल्ला दलाता हूँ अम्मी अम्मा तुमको एक जगह रखता हूँ मैं एक शर्त करते हैं तो महीने को गल्ला ऐसा कौन बोलते जी बता मेरे को कौन सा मेला बोलता बता साल को होता है तक हाथ जोड़ रही आ रही ले ले रही फिर अभी मत ले बुढ़ी देख रहा ना जवान देख रहे अल्लाह उनकी बोले ना इतना अजबा बनो हम जैसे दस को करोड़ों को बांटे दौलत थी उन्होंने बस सुनो आमीन मेरे मालिक दो जहां के रब्बिल आलमीन दुनिया की दौलत दो हम सब के बच्चों को